मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा हूँ। मैं इस समय फोर्टिस सी डॉक हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज उसका अध्यक्ष हूँ और पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रह चुका हूँ। नंबर एक एक्सरसाइज की सलाह है, और मैं मानता नहीं हूँ वर्ल्ड की जो गाइडलाइंस हैं जो कि कहती हैं कि एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो बिल्कुल कम है, इंडिया के लिए बिल्कुल कम है। मैं कहता हूँ 300 मिनट से कम कोई एक्सरसाइज इंडियन आदमी नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना ही मान्यता रखती है जितना कि वाइट लोग 150 मिनट करें। तो डबल हमको करनी है। तो नंबर वन एक्सरसाइज है। नंबर टू, आपको खान पान का पूरा ध्यान रखना शुरू से। तो सब लोग कभी कभी जंक फूड खाते हैं और सब लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, वो नहीं मना किया जा सकता। लेकिन अगर हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन में 14 मील्स हैं, 2 मील को छोड़ दीजिए और 12 मील का ध्यान रखें हम, और उसमें हम कैलोरी को रिस्ट्रिक्टेड रखें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को रिस्ट्रिक्टेड रखें, तेल का सही इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से हमारी हेल्थ उस हिसाब से भी ठीक रहेगी। नंबर तीन, जो लोग मोटे हैं या फिर ओवरवेट हैं, सर्टनली उनको वेट लूज करना है, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू करना है। अगर वो नॉर्मल, और नॉर्मल की परिभाषा इंडियन लोगों में अलग है, इंडियन लोगों में वेस्टर्न लोगों से बिल्कुल अलग है। तो हमारे हिसाब से वर्क जो परिभाषा होती है वो नीचे की तरफ है, यानी कि कट ऑफ नीचे की तरफ है, यानी कि आप समझते हैं कि लोग ठीक वेट के हैं, एक्चुअली वो ठीक वेट के नहीं है, वो ओवरवेट है। तो इंडियंस लोगों में परिभाषा भी हमने बनाई हुई है, करीब 10 साल हो गए उसको बनाए हुए, तो वो कम वेट पर ही डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं। तो हमको कम वेट रखना है, कम से कम वेट रखना है, लीनर साइड पर हो तो और भी अच्छा होगा। नंबर चार, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है और आप किसी भी तरह से थोड़े भी मोटे हैं, तो आपको 25 साल या 30 साल तक सारे टेस्ट अपने कराने चाहिए जो डायबिटीज़ से संबंधित हो, और उसके बाद हर 2 साल पर कराना चाहिए। और जरा भी डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ की अवस्था में होगी तो उस पर ज़रूर आपको विशेषतः ध्यान रखना है, क्योंकि उससे नॉर्मल हो सकती है, वरना तेज़ी से डायबिटीज़ में परिवर्तित हो सकती है। और नंबर पाँच, जहाँ तक सवाल है कि अगर आपको शुरुआत में ही डायबिटीज़ पकड़ी जाए और कोई आपको इलाज दे, तो उस इलाज में मना नहीं करना है, क्योंकि वो इलाज शरीर की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए होता है। लोगों को वो होता है कि नहीं, हम साहब चले जाएं वैद्य के पास, चले जाएं इसके पास, जो दवाइयाँ कोई काम की नहीं हैं और कभी हानि भी कर सकती हैं उसको लेते हैं लोग। 50% ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, और सिंपल दवाइयाँ हमारी जो हैं, जो कि शुरुआत में ही दबा कर रख दें सब चीज़ को, आगे ना बढ़ने दें। तो ये अगर 4-5 चीज़ का हम ध्यान रखें, तो शुरुआत में या प्री डायबिटीज़ की अवस्था में ही हम सब चीज़ ठीक कर सकते हैं, या डिले कर सकते हैं डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को बहुत सालों तक।